दोनों भागते हुए उसके घर जाते हैं। वहाँ बल्लू अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता है। अरे बल्लू भाई, क्या हुआ? काहे इतना चिल्ला रहे हो भाई? अरे मर गया रे भाई, मेरे सीने में बहुत ही दर्द हो रहा है। मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो, नहीं तो मुझे दिल का दौरा पड़ सकता है भाई। अरे बेवकूफ, इतना शोर मत मचा, तुझे कोई दिल का दौरा नहीं पड़ने वाला। अभी तो तू सिर्फ जवान है भाई, तूने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, थोड़ी सी गैस बन गई होगी सीने में, कुछ नहीं होगा। थोड़ा सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। चल राघव, कुछ नहीं हुआ, हम चलते हैं। फिर इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से चल देते हैं। उन्हें जाता हुआ देख बल्लू जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हाय हाय, मर गया रे, हाय, मुझसे सांस नहीं ली जा रही। अरे कोई मुझे बचाओ रे, अब मैं नहीं बचने वाला। हाय, मुझे दिल का दौरा पड़ गया रे, कोई मुझे बचाओ। भाई ये ऐसे नहीं मानेगा, हमें इसे अस्पताल लेकर जाना ही होगा। फिर वो दोनों बल्लू को उठाकर उसे बैलगाड़ी की तरफ ले जाने लगते हैं। बल्लू भाई अब शांत हो जाओ और घबराओ नहीं, हम तुम्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं। अरे नास मिटो, तुम तो मुझे अकेला छोड़कर जा रहे थे, अगर मुझे कुछ हो जाता तो। फिर वो तीनों कुछ देर के बाद गांव के अस्पताल में पहुंच जाते हैं। अरे कमबख्तो, ये किस अस्पताल में ले आए मुझे? इस अस्पताल में जो भी भर्ती हुआ है वो आज तक जिंदा वापस लौट कर नहीं गया है, मैं यहाँ भर्ती नहीं होने वाला। अरे बल्लू भाई अब ज्यादा दिमाग खराब मत करो, भर्ती होना है तो यहीं हो जाओ, यहाँ दूर दूर तक और कोई अस्पताल नहीं है भाई। फिर वो दोनों बल्लू को उठाकर अस्पताल के अंदर ले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक नर्स मिलती है। नर्स मैडम, ये हमारा दोस्त है, इसे सीने में दर्द की शिकायत है, आप कृपया इसे यहाँ भर्ती कर लीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, यही तो हमारा काम है। फिर बल्लू उस अस्पताल में भर्ती हो जाता है। उस अस्पताल में उसके अलावा कोई भी मरीज नहीं होता। फिर नर्स बल्लू को कुछ दवाइयाँ खाने को देती है। लो बल्लू जी, ये दवा ले लो, इससे आपको आराम मिल जाएगा। सुबह डॉक्टर साहब आएंगे तो उन्हें अपनी तकलीफ के बारे में बता देना। इतना बोलकर वो नर्स वहाँ से चली जाती है। अच्छा भाई बल्लू, अब हम चलते हैं, तुम आराम करो। अरे नर्स मिटो, ये मुझे कहाँ भर्ती करवा दिया? यहाँ मेरे अलावा और कोई मरीज ही नहीं है, मैं यहाँ अकेला नहीं रहने वाला। चुपचाप तुम भी यहीं लेट जाओ, सुबह होने पर तीनों एक साथ घर वापस चलेंगे। फिर रात होने पर अस्पताल में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। डर के मारे बल्लू की नींद खुल जाती है, वो बहुत डर जाता है। उसके बेड के नीचे एक चुड़ैल बैठी हुई होती है। ललिया और राघव गहरी नींद में सो रहे होते हैं और वो चुड़ैल बल्लू के बिस्तर के नीचे बैठकर उड़ा रही होती है। अरे मर गया रे, ये कैसी अजीब अजीब सी आवाजें हैं भाई, मुझे तो पहले से ही इस अस्पताल पर शक था, अब क्या करूं? अरे नास मिटो, उठो जल्दी उठो, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? अरे कमबख्तो जल्दी उठो। फिर बल्लू के चिल्लाने पर ललिया और राघव उठ जाते हैं। अरे बल्लू भाई, अब तो नर्स मैडम ने तुम्हें दवाई भी दे दी, अब क्यों शोर मचा रहे हो भाई? चुपचाप सो क्यों नहीं जाते? अरे भाई मुझे डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही हैं, मैं क्या करूं? तभी वो चुड़ैल गुर्राने लगती है। अरे मर गए रे, ये कैसी आवाजें हैं भाई, ये तो कोई चुड़ैल की आवाज लगती है भाई। जी नर्स मैडम, आप कहाँ हैं? नर्स मैडम, ललिया भाई कुछ करो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। फिर राघव की नजर बल्लू के बिस्तर के नीचे पड़ती है और उसके होश उड़ जाते हैं।
डर के मारे वो कांपने लगता है। राघव भाई, अब तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें भी दिल का दौरा पड़ गया क्या? अरे भाई, जल्दी से बल्लू के बिस्तर के नीचे देखो भाई। फिर ललिया झांक कर बल्लू के बिस्तर के नीचे देखता है। अरे मर गए रे, ये तो चुड़ैल है। अरे भागो रे। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो। फिर वो दोनों भाग कर एक कोने में खड़े हो जाते हैं। अरे नास मिटो, ऐसा क्या देख लिया मेरे बिस्तर के नीचे? अरे बल्लू भाई, तुम्हारे बिस्तर के नीचे तो एक चुड़ैल बैठी हुई है। अरे मर गया रे। आई मम्मी बचाओ, मैं कहाँ जाऊँ? अरे भाई मुझे बचाओ। बल्लू भाई, बिस्तर से नीचे मत उतरना, वरना ये चुड़ैल तुम्हारी टांग पकड़ लेगी। अरे ये मैं कहाँ फंस गया रे? हाय, आज मैं नहीं बचूंगा। हाय, अरे नर्स जी, आप कहाँ हैं? जल्दी आइए नर्स जी। ओ नर्स जी। तभी वो चुड़ैल बिस्तर के नीचे से निकल जाती है। वो नर्स ही चुड़ैल होती है। क्या हुआ बल्लू जी, आपने मुझे बुलाया? अरे मर गए रे बल्लू भाई, ये नर्स मैडम तो चुड़ैल निकली। नर्स जी, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैंने आपको कब बुलाया? मैं तो ठीक हूँ। भला मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो मैं आपको इतनी रात गए परेशान करूँ। मुझे तो लगा आपने मुझे पुकारा है। नहीं नहीं नर्स जी, आपने जो मुझे दवाई दी थी उससे मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अब आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप भी आराम कर लीजिए। ठीक है बल्लू जी, मैं यहीं बाहर ही हूँ। आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप मुझे बुला लेना। जी ठीक है नर्स जी। अरे नास मिटो, मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जल्दी पीछे के रास्ते से निकालो। मैंने तो पहले ही कहा था ये अस्पताल ठीक नहीं है। फिर वो तीनों पीछे के दरवाजे से भागने लगते हैं। अरे भागो रे, अपनी अपनी जान बचाकर भागो, ये तो भूतिया अस्पताल निकला। अरे भागो रे, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। फिर वो तीनों उस अस्पताल से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। तभी उस चुड़ैल को उनकी आवाजें आ जाती है और वो भी उनका पीछा करने लगती है। तभी बाहर दिन निकल आता है और वो चुड़ैल सूरज की रोशनी की वजह से अस्पताल से बाहर नहीं निकल पाती। अरे बच गए रे, बच गए, आज तो बाल बाल बचे भाई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, एक बार रात तो होने दो, फिर तुम्हें मजा चखाऊंगी। मेरे अस्पताल से कोई भी मरीज आज तक जिंदा नहीं लौटा है। तुम भी नहीं बचोगे, तुम भी नहीं बचोगे। अरे ललिया भाई, ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी भाई। डरो मत भाई, ये सूरज की रोशनी में अस्पताल से बाहर नहीं आ सकती। चलो हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। फिर वो तीनों किसी तरह वापस अपने गांव आ जाते हैं और फिर कभी भी उस अस्पताल की तरफ पलट के नहीं जाते। क्यों भाई बल्लू, कोई तकलीफ हो तो तुम्हें उस अस्पताल में भर्ती करवाते भाई। अरे कमबख्त, ज्यादा मजाक मत कर।